नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास दवे और आपका स्वागत है आपके अपने स्वदेशी बिजनेस आइडिया के यूट्यूब चैनल पे, जिस पर मैं हर बार आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेके आता रहता हूँ। अभी एक दो महीने से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़े काम में था, बट अब आपके लिए मैं जैसे पहले से करता आ रहा हूँ वैसे ही अभी पूरे हर जगह मैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए स्मॉल से स्मॉल इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सके ऐसे हर बिजनेस आइडिया की जानकारी आपके लिए इसी चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो आप और कुछ मत करिए बट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको बिजनेस आइडिया के बारे में जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सके ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। तो चलो और देर न करते हुए शुरू करते हैं पूरा वीडियो। जी दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही, पर उसके सिवा हम देखने जाए तो वो आपकी बॉडी को भी बहुत ही अच्छा फायदा कर सकता है। जैसे कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रांग कर सकता है, उसके सिवा आपके जो स्किन है उसको भी ग्लो करवाने में मदद कर सकता है, उसके सिवा आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने में वो मदद कर सकता है। ऐसा ही एक चीज का बिजनेस आइडिया के बारे में पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको उसका डेमो दिखाऊंगा कि वो बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, उसके बाद में मैं मशीनरी के बारे में तो जो डेमो में बताने वाला हूँ पूरा, उसके बाद में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी और लेबर कॉस्ट के बारे में भी थोड़ा समझा दूंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा लाइसेंस लगता है, आखिर में आपको जो भी इसमें कॉस्टिंग आता है और कितना प्रॉफिट होता है उसके बारे में भी पूरा इस ट्यूटोरियल वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, तो आपको पूरा माइंड में ये बिजनेस के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और अगर क्लियर नहीं होता है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ जाके आप मुझे कोई भी क्वेश्चन आपका जो क्लियर नहीं हुआ है वो पूछ सकते हैं, जिससे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। और जैसे यहाँ गाइडेंस कर रहा हूँ वैसे भी आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ भी गाइडेंस कर पाऊँ। तो चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मशीन दी है वो कैसे वर्क करती है। जी दोस्तों, आपको सामने जो कार्ट दिख रहा है वो कार्ट है कोकोनट वाटर का जो बिजनेस है वो बिजनेस करने का कार्ट। कार्ट मीन्स के वन टाइप ऑफ हम जो लारी देखते हैं वही वैसा ही एक कार्ट है जिसमें हम कोकोनट को स्टोर कर सकते हैं और उसका पानी जो है उसको निकाल के स्टोर करके उसको हम जो ग्लास होता है ग्लास में पैक करके बेच सकते हैं। यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा कि कोकोनट को हमने निकाल के उसको ऊपर का जो कैप होता है वो निकाला और प्रेस करके उसमें से होल कर दिया है। अब ये होल किया हुआ हम जो कोकोनट है वो हमारे स्टोरेज टैंक में ऊपर लगाते हैं। यहाँ जो हमारे जो काट को संभालने वाला बॉयस है उसने ऊपर लगा दिया और जो कोकोनट में से ऑयल जो पानी निकलता है वो पूरा कहते हैं ना कि फिल्टर होके अंदर से निकलता है। ऊपर आप देख सकते हो कि ये जाली लगाई हुई है, जाली में वो पूरा फिल्टर हो जाता है और उसके बाद में नीचे जो नल लगाया हुआ है वहाँ से पानी निकलता है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वो पानी स्टोरेज होता है और कैसे वो फिल्टर होके बाहर निकलता है। तो यहाँ पूरा आपको दिख रहा होगा ये पानी हमने ग्लास में निकाल के उन्होंने हमें दे दिया है। हम देख सकते हैं कि कितना इसमें प्योर दिख रहा है, इसमें कितना हाइजीन का यूज़ किया जाता है वो सब यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखिए आपको ये पानी है वो हमें ग्लास में निकाल के स्ट्रो डाल के दे दिया है और अब हमने उनको बोला है कि अंदर से मलाई भी हमें निकाल दो। तो ये भाई है वो मलाई कैसे निकाल दे वो आप देखिए, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये फुल्ली मैनुअल मशीन है और मैं आपको आके इसकी प्राइस बताने वाला हूँ कि कितनी प्राइस के है। ये उन्होंने कट कर दिया है और पूरी मलाई है वो मलाई निकाल के हमें एक बास्केट में जैसे छोटा सा कप होता है कप में निकाल के दे रहे हैं। तो आप पूरा देख रहे हैं कि कैसे ये निकाल रहे हैं। तो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ये कार्ट है वो कार्ट कौन सी कंपनी बनाती है वो पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा और इससे कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और क्या क्या रॉ मटेरियल और कितना प्रॉफिट होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पर ये तो डेमो दिखा दिया कि ये जो कार्ट है कैसे आप चला सकते हो।
जी दोस्तों, तो आपने डेमो तो देख लिया कि हमारे जो कोकोनट वाटर का जो बिजनेस है वो कैसे शुरू करना है, तो उसके लिए कैसे हम कार्ट लगा सकते हैं और कार्ट में कैसे हम जो कोकोनट वाटर है उससे पानी निकाल के बेच सकते हैं, पूरा मैंने डेमो में आपको दिखा दिया और समझा भी दिया है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं। तो रॉ मटेरियल में तो पहला जो मेन रॉ मटेरियल है कोकोनट, जिससे हम पानी निकालेंगे और बेचेंगे। कोकोनट का जो प्राइस है वो रेगुलरली हम टन में देखने जाए, क्योंकि आप ये बिजनेस कर रहे हो तो आप हर रोज 50-50, 100-100 किलो तो खरीद के लाने वाले नहीं हो। तो जहाँ पे भी कोकोनट का प्रोडक्शन होता है वहाँ से आप 10 टन 20 टन 50 टन का माल लेते हो, तो एक साथ में आप देखने जाओ तो कोकोनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 रुपये में मिल जाता है उनके पास से, और वो भी क्वालिटी के हिसाब से रहता है। कोई 20-25 वाला होता है, कोई 30-35 वाला भी होता है, तो इस हिसाब से आप जैसे भी क्वालिटी लेते हो उस हिसाब से आपको कोकोनट टन के हिसाब से मिल जाते हैं। उसके बाद में दूसरा रॉ मटेरियल है वो है अंदर कोकोनट वाटर होता है उसको भरने का ग्लास। तो वो ग्लास तो आपको आपके आसपास के मार्केट में से भी मिल जाता है, जैसे मैंने देखा है और मैं खरीदने गया हूँ उस हिसाब से आपको 20 रुपये में कुछ 50 ग्लास है वो मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप ग्लास भी खरीद सकते हो। तो दो जो इंग्रेडिएंट जो मेन रॉ मटेरियल्स है वो आपको वहाँ से मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और लेबर कंज्यूमिंग कितना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कार्ट आपने जो डेमो में देखा है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ही नहीं होता है, उसमें तो सिर्फ आप हाथ से ही काम कर सकते हो। जैसे पानी निकालना है या तो कोकोनट को दो टुकड़े में काटना है और अंदर से मलाई निकालनी, इसमें कहीं भी आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। तो आप ये जो बिजनेस है उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं पर लेबर कॉस्ट लगेगी। अगर आप सोच लो कि अलग अलग 3-4 शहरों में आप अलग अलग जगह अपना कार्ट लगाते हो, 3 शहरों में आप 3 जगह कार्ट लगाते हो तो 9 लोग हो गए, 9 लोगों को आप अलग अलग कार्ट लगा देते हो तो बहुत ही अच्छा आप ये बिजनेस कर सकते हो। इसके जो प्राइस है वो प्राइस लिस्ट तो मैं आपको प्रॉफिट में समझाने वाला हूँ, प्रॉफिट और कॉस्टिंग में समझा दूंगा कि कितने का ये आता है। तो ऐसे ही आप अपना बिजनेस है वो ग्रो कर सकते हो। और जैसे आपने 3 अलग अलग जगह लगा के कुल 9 जगह 9 लड़के खड़े कर दिए हैं, तो वो भी आपके लेबर कॉस्ट में आप गिन लेते हो तो एक बंदे को आप एक महीने का जो सैलरी है वो करीबन 7,000 से 10,000 दे सकते हो। तो 10,000 के हिसाब से देखो तो 90,000 रुपये आपको सैलरी लेबर कॉस्ट हो सकती है, पर उसमें आप प्रॉफिट देखोगे तो आपको 3-4 गुना प्रॉफिट दिखेगा, वो मैं प्रॉफिट में आपको समझाता हूँ। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने रहते हैं। वैसे तो आप आपके आसपास में मार्केट में देखते हैं तो जो भी कोकोनट का बिजनेस करता है कोकोनट वाटर का उसके पास में कोई लाइसेंस होता नहीं है, वो तो सिर्फ मार्केट में जो नारियल होता है वो काट के दे देता है, आप पानी पी लेते हो और निकल जाते हो। पर मैंने जो आपको डेमो दिखाया है उसमें पूरी हाइजेनिक तरीके से पूरा जो कोकोनट होता है उसका वाटर निकलता है, मलाई निकलती है, वो आपको पेश किया जाता है। तो इसमें आप FSSAI का लाइसेंस लेके अपना ये बिजनेस है वो बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा लाइसेंस लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट में आप देख ही रहे हो कि जो ये बिजनेस करते हैं उसमें किसी के पास में लाइसेंस होता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कॉस्टिंग कितनी लगती है। तो मैं आपको जो लेबर कॉस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि 3 शहरों में 3 अलग अलग जगह आप अपना धंधा शुरू करते हो और वहाँ पे एक एक लड़का भी लगाते हो तो कुल मिला के उनके 10,000 के हिसाब से 90,000 रुपये आप सैलरी गिन लो। और उसके सिवा हम कार्ट का भी गिनते हैं तो एक कार्ट जो मिनिमम प्राइस में मिलती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मिनिमम में मिनिमम बनाती है, तो 30,000 से 35,000 में एक कार्ट बन जाता है। आपके जो जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से भी वो आपको कस्टमाइज करके देते हैं, पर नॉर्मली जो रेगुलर चलता है उसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ कि 30,000 से 35,000 में ये कार्ट आपको मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आप 9 कार्ट लेते हो तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। पर एक कार्ट का हम अभी देखते हैं कि इसमें से प्रॉफिट कितना एक होता है। तो एक कार्ट में एक लड़का लगता है और एक कार्ड, तो उसका आप देख लीजिए 30,000 रुपये आपका कार्ड का हो गया और 10,000 रुपये आपका लेबर कॉस्ट हो गया। तो ये सब हम गिन लेते हैं और आगे मैंने आपको बताया कि कितने प्राइस में आपको कोकोनट और वो सब मिलते हैं। अब हम प्रॉफिट देखने जाए तो
एक दिन में आप जो कोकोनट है वो आपको मिलता है कि मैंने जो आपको बताया कि 20 से 25 रुपए में आपको मिलता है, और उसमें आप लेबर कॉस्ट और दूसरा जो भी मेंटेनेंस वो सब लगा देते हो, तो आप गिन लीजिए कि 2 से 3 रुपए आपका मेंटेनेंस और लेबर कॉस्ट हो जाता है। और 25 रुपये हम गिनते हैं कि एक नारियल का होता है, तो 25 रुपये प्लस ये 3 रुपये हमने गिन लिए कि जो लेबर कॉस्ट है वो, 28 रुपये में आपका पूरा पानी है, कोकोनट वाटर है वो तैयार हो जाता है, और आपको आप जो मार्केट में उसको देते हो या आपका कोई कस्टमर आया उसके हाथ में देते हो, तो एक ग्लास का आप उसके पास से 40 से 50 रुपए तक ले सकते हो। यानी कि आपका 28 रुपए में तैयार होने वाला जो कोकोनट वाटर है वो आप 40 रुपए या 50 रुपए में बेचते हो, तो आपको आमदनी होती है 15 से 20 रुपए की, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 15 से 20 रुपए है। तो आप देख सकते हो कि एक कोकोनट के पीछे 15 से 20 रुपए का आपको फायदा होता है, तो आप एक दिन में या आपका लड़का जो काट रहे के घूम रहा है वो एक दिन में 100 जो नारियल पानी है वो तो बेच ही सकता है, तो आपके एक दिन में 2000 रुपए तक का प्रॉफिट तो है ही है। तो आपको 9 कार्ट में से एक दिन का आपको 18,000 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है, और आप देखने जाओ कि 30 दिन यानी कि एक महीने आप का जो 9 लड़के हैं वो अपने अपने कार्ट में ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे मुनाफा करते रहते हैं, तो आपको 5,40,000 तक का मुनाफा हो सकता है एक ही महीने में। तो आप उसमें से आपका लेबर कॉस्ट निकाल दो, सब निकालते हुए भी देखो तो भी आपके पास से 3,00,000 का मुनाफा तो आप इसमें से कमा ही सकते हो। तो ये है छोटा सा बिजनेस आइडिया, बट अगर आप अपना माइंड खोल के ये बिजनेस करना शुरू कर देते हो तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा आप इसमें से कमा लेते हो। तो यही था मेरा जो इतने समय बाद में जो वीडियो लेके आया हूँ वो कोकोनट वाटर का बिजनेस आइडिया के बारे में पूरा ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियोस कोई देखना चाहता है या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके साथ में भी ये वीडियो शेयर करिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को नीचे जो रेड बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके पास में जो आपको बेल आइकन दिया गया है वहाँ पे जाके भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी जो ये वीडियोज़ है वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे, और इसमें से कोई भी एक बिजनेस आइडिया आप चुन के अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर पाए और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए। हमारा तो मोरल यही है कि आप स्मॉल से स्मॉल इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए। तो बस इसी के साथ में मैं आपसे ये विदा लेता हूँ, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।